मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। नारकुलडांगा में है, नारकुलडांगा चौराहे में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अवाम यहाँ पर खड़ी। हम कैमरामैन से गुजारिश करते हैं, एक बार कैमरा को घुमाया जाए, इस तरीके से घुमाइए। देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और नारकुलडांगा के पूरे एरिया के लोग एक बाबा जी से जो है पूरा खिलाफ हो चुके हैं। आप कंटिन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग सामने मौजूद है। आखिर बाबा का काम है नेकी करना, अच्छा काम करना, अच्छी बातें करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, नमाज रोजे की तलकीन करना। मगर क्या वजूहत है आखिर यहाँ के अवाम, यहाँ की पब्लिक जो है बाबा के खिलाफ हो गई है। चलिए हम उनकी राय लेते हैं। ये लोग काफी दिनों से हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक बाबा जो है यहाँ पर लोगों को, जब लोग रमजान में रोजा रखते हैं तो दिन में खाना बना करके लोगों का रोजा तरवाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की ऐसी वैसी की बातें करते हैं। और बाबा जो है यहाँ के नारकुलडांगा की जनता के मुताबिक, अवाम के मुताबिक जो है, अवाम के मुताबिक जो है, ये लोग बाबा बोलते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई नई चीज लेता है, तो उससे खराज भी मांगते हैं, उससे पैसे भी मांगते हैं। क्या वजूहत है, क्या रीजन नहीं है? हम डायरेक्ट यहाँ के अवाम के बारे में, यहाँ की जनता से डायरेक्ट उस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि बाबा क्या है, नहीं है, कैसा है, कैसे बाबा है, यहाँ के कौन बाबा है? ये बाबा नहीं है, ढोंगी। ढोंगी, क्या नाम है उनका? सगीर बाबा। सगीर बाबा कैसा काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम लोगों के एक बच्ची का दादा है, मैसूरमान पुरानी स्कूल है। हाँ, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर वो सेलेक्टर हाउस खोल रखे हैं जी, जो गैर कानूनी जो होना नहीं चाहिए। बहुत सारे मुरब्बी को तकलीफ होता है। जोर से बोलिएगा। बहुत सारे मुरब्बी को तकलीफ होता है, गोबर वर्क गिरता, बहुत सारे मुरब्बी गिर जाते हैं, गंदगी फैलती है जी। ये सब तमाम जो काम है, अंतिगनी काम है। बाबा का काम है नेक काम करना, रोजा नमाज की तरकीब करना, नहीं करना। मगर उनका वो बिल्कुल अच्छा नहीं करते। क्या करते हैं वो? गलत काम करते हैं, तमाम काम उनका गलत है। काम अच्छा नहीं है, जैसे तमाम आवाम जो है नाराज भी है। क्या नाम हो गया, कहाँ रहते हैं आप? हम नागपुर इसी जगह में रहते हैं, अगल बगल पास। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद असलम साहब, सीनियर आदमी है। इन्होंने बताया कि बाबा जो है बाप का गलत काम करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे सामने में, क्या नाम? हम डायरेक्ट जनता की राय लेंगे। बदरुद्दीन निजामी साहब, क्या कहते हैं बाबा के बारे में आप? नहीं है, हर जगह में क्या नाम है जी? क्या बोलते हैं? क्या नाम है बाबा का? बाबा का सगीर पिल्लू। सगीर पिल्लू, सगीर पिल्लू रेप आसामी भी है, रेप भी किया है। हाँ, रेप भी किया है, स्टेशन उठाता है और दूसरा घर दखल करता है। सगीर बाबा, आप सर्वे कर लीजिए, मालूम हो जाए। ये हर जगह में। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद साहब कहाँ रहते हैं? यही पर रहते, इसी जगह में रहते हैं। और भी कुछ लोग, हम उनसे बातें करते हैं। क्या क्या बाबू, क्या मामला? बात ये है, बाबा जो है ये सब प्रमोटर को परेशान करता है, 15 लाख 20 लाख मांगता है। नेम देने से आदमी पुलिस को रुकवा देता है, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन में पुलिस आता है तो बाबा ट्रांसफर पुलिस का करा देता है। जो बिल्डिंग बनेगा उसमें उसको 600 एरिया 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, वो हर बिल्डिंग में लेता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा आतिफ रजा नाम है। आतिफ रजा, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं जी? क्या करते हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बाबा जो है, ये ऐसा बाबा है जो बोलता है नमाज मत पढ़ो। ये ऐसा बाबा है जो बोलता है कि हम है तो सब कुछ है। इस तरह का बाबा है जो अंधोपी फैला रहा पूरा एरिया में। लोग ऐसे है जो उसका पैर पकड़ते हैं जाकर, ठीक है, मना करता है कि मस्जिद में नमाज मत पढ़ी, नमाज पढ़ना है, खुद नहीं जाता नमाज पढ़ने, और दूसरे पर मना करता है कि नमाज मत पढ़ो। तो ये बाबा नहीं, ये सब फर्जी है, माहौल बिगाड़ है, हम लोग का एरिया का माहौल बिगाड़ है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन किया, सब मिलके कंप्लेन कीजिए। हाँ, सब मिलके कंप्लेन करें, गलत काम नहीं करें। और भी कुछ लोग हमारे सामने में, हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे। कुछ लोग सामने मौजूद है, क्या कहते हैं? बोलो बोलो।
बाबा चाय पी रहे हो? बोलो क्या बाबा के बारे में क्या राय है? अच्छा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, क्या करते हैं? 100 भी खिलाफ है, आपकी क्या राय है? आपकी भी राय वही है, आपकी राय क्या कहते हैं आप? बोल बोलना बे बोलना वही बाड़ी वाला कैसा है आदमी बोल बात को कि वैसे माहौल बिगड़ता है सर सर भैया अपनी तरफ से बहुत सारा कितना फसाद हां गंदा झगड़ा गाड़ा वाला नहीं आ रहा है हम लोग को आगे नमाज का नहीं गुल्लू है भाई जी गुल्लू अच्छा हो गया क्या बोलते हैं बाबा है क्या बाबा जो है वो नमाज नहीं छोड़ेगा सुन्नत छोड़ेगा हां कभी मस्जिद में देखा जी क्या राय है आपको? मेरा भी सबकी जो राय हो मेरी राय है। क्या राय है? क्या काम है उनका? अच्छा नहीं काम करते? खराब काम है, खराब काम उसका, खराब काम है। चलिए हम और भी कुछ लोगों से नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई राय क्या है? बाबा कैसा आदमी है? सपोर्ट भी करता है वो लोग, और जो उनके सर में टोपी गाड़ी लगा करके उनको गुमराह भी करता है, और उनके सर को सपोर्ट भी करता है। वो लोग समझते हैं कि अपने आप को लगता है, पूरा इलाका को लगता है कि अपने हम जो चाहेंगे हम वो करवा लेंगे। पुलिस स्टेशन उसका अंडर में आता है, लगता पता नहीं समझ में आता है कितना उसके पास पावर है। ये इस तरह का आदमी है एकदम, नमाज से तो कोई लेना देना नहीं है इल्म से, और सबको नमाज पढ़ने मना करता है। इमाम साहब को उल्टा उल्टा बोल रहा है, ये भी है एकदम बकवास, और एकदम बोल नहीं सकते उसके बारे में क्या है वो। चलिए एक चीज है जी, बोलिए क्या नाम है आपका? हाँ, दो जोर से बोलिए क्या नाम? लक्ष्मीकांत दास मेरा नाम है, कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहा हूँ। कॉर्पोरेशन में जॉब, क्या राय है आप? हमारा बाबा का राय यही है कि इंसान सही है, मतलब नमाज दुआ सब कुछ करते हैं, कायदे कानून में नहीं करते, अच्छा मतलब करने का मतलब ये दिखावा करते हैं। और दूसरी बात जो है, जनता का सामने सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो उल्टे सीधे हरकत करके मतलब हमको अच्छा समझ में, आपको अच्छा समझ में आ रहा है। हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि देखें, सरप्रस की सर्वे रिपोर्ट है, यहाँ जनता की राय है, और सरप्रस की पुष्टि नहीं करता, मगर एक बात सच्चाई, जो जनता की राय होती वही राय होती, हमारा उसमें कोई प्रश्न लेना देना नहीं है। मगर एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जरूर बोलना चाहते हैं, वक्त मिलेगा तो हम बाबा के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे कि मोहल्ला के लोग आपके ऊपर काफी इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या रहा है। अगर वाकई में इस किस्म की हरकत अगर करते हैं तो ये उनका गलत काम है, ये काम होना नहीं चाहिए। आपका काम नहीं है कि अगर कोई बिल्डिंग बनाए, घर बनावे, कुछ भी करें तो आप उससे पैसे मांगिए, फ्लैट मांगिए, ये आपका काम ही नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो नमाज ही को आप रोकिए, या रमजान का कोई रोजा रख रहा है उसको दिन में खाना खिलाइए। अगर इस किस्म के वाकई में हरकत करते हैं तो इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ ये काम नहीं होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि एक बार वक्त मिलेगा तो मैं बाबा के पास भी जाऊंगा, बाबा से भी सवाल करूंगा कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। अब लोगों का कहना है कि आप पावर का धौंस जमाते हैं और इस तरीके से लोगों को गलत काम करने पे मजबूर कर देते हैं, जुल्म ज्यादती भी करते हैं, यहाँ की जनता कहती है, यहाँ की अवाम कहती है। और अगर आपने अभी तक सरप्रस न्यूज चैनल को फॉलो शेयर नहीं किया है तो फेसबुक कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, यूट्यूब पे कर लीजिए, इसलिए कि हम आपके दरमियान में सच्चाई को, हकीकत को बहुत बेबाकी के साथ पेश करते हैं, इसलिए कि आज के डेट में सच दिखलाना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी सुलझाते हैं हाल में हम लोग सच को सामने लाते हैं। डीजे भाई महबूब रजा सिंधिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now